अयोध्या में जैसे जैसे प्रभु राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, वैसे वैसे पूरे देश और दुनिया के राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो वहीं रामानंद सागर द्वारा आधारित धारावाहिक रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली फिल्म अभिनेत्री दीपिका अपनी सीरियल की शूटिंग के सिलसिले में आज धर्म नगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला का दर्शन पूजन किया, रामलला की आरती उतारी। उसके बाद वह सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी गई, जहां पवन पुत्र बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। अयोध्या पहुंची रामानंद सागर के रामायण सीरियल की सीता दीपिका ने बताया कि हिंदुस्तान सनातनी होता जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद संभालने के बाद इसका अलग ही रूप देखने को मिला है। बड़ा बयान देते हुए दीपिका ने कहा कि इसका खुले हाथ से हमें स्वागत करना चाहिए। दीपिका ने कहा कि पहली बार मुझे अवसर मिला है अयोध्या आने का, प्रभु राम का दर्शन किया, मन प्रफुल्लित है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। विराजमान रामलला की प्रतिमा को लेकर बताया कि वास्तव में विराजमान भगवान रामलला की प्रतिमा बहुत ही तेजस्वी है। आज पहली बार मुझे ये अवसर मिला है अयोध्या आने का और राम जी के मैंने दर्शन किए। आज वाकई में मुझे ऐसे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई। और जो प्रतिमा है बहुत तेजस्वी हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आएँ, प्रभु उनके दुख दर्द दूर करें और हमेशा उनको आशीर्वाद दें। एंड बस जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो मैं दोबारा आऊँगी उनके आशीर्वाद लेने। मैं बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सनातनी होता जा रहा है, हमेशा से था, लेकिन इसका एक अलग रूप हमको अब देखने को मिला है जब से नरेंद्र मोदी सर हमारे पीएम बने हैं। और ये जो रूप है वो बहुत पॉजिटिव है एंड हम सबको इसका स्वागत बहुत खुले आम से करना चाहिए। मुझे अभी तक पता नहीं है उसके बारे में, जब पता चलेगा बता दूँगी।